अच्छा सर, फिर एक व्यापारी को जो है धमकी मिली है, क्या है मामला और किस तरह अनुसंधान चल रहा है? कल रात को शहर की एक व्यवसायी ने एक रिपोर्ट दी थी कि उनके मोबाइल पर कोई एक कॉल आया जो कि व्हाट्सएप कॉल ही प्रतीत होता है, और उस कॉल के माध्यम से उससे पैसों की मांग की गई और कहा गया कि तेरे पुराने पैसे बाकी है, रो पैसे लौटा देवे। इस तरह की धमकी भरी एक रिपोर्ट यहाँ थाना शास्त्री नगर उसने प्रस्तुत की है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये कॉल किसने किया है, कहाँ से किया है, इस संदर्भ में जोधपुर पुलिस साइबर एक्सपर्ट्स की हेल्प से, साइबर टीम की मदद से बहुत अच्छे से अनुसंधान में लगी है। पहले 2017 में भी लॉरेंस गैंग की तरफ से जो धमकी मिली उस संदर्भ में मुकदमे भी दर्ज हुए और उनमें तो चालान भी पेश किए जा चुके हैं उसी समय। सर, क्या व्यापारी को सुरक्षा? पूर्णतः जोधपुर पुलिस मुस्तैद है और पूरी मुस्तैदी के साथ व्यापारी और आमजन सुरक्षित ही महसूस करेंगे।